जी ठीक है। अच्छा मैंने कहा अब एनीबडी ऑफ यू कैन कैन कम फॉरवर्ड इन स्पेन इन लीजन नजर क्या है? सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ चलो चलो ओके ओके सर द पिक्चर शोज द राइट फुट ऑफ अ पेशेंट देयर इज अ इल डिफाइंड violaceous plaque on the medial aspect and on the sole, and also I can appreciate a few erosions, and there's also some, and there's also mild scaling. Mild scaling. You notice? Yes, very mild. Yes, sir. Yes, sir. Scales हैं या crusts हैं? Sir. मुझे क्रस्ट भी अप्रिशिएट हो रहे हैं और ऊपर की तरफ मुझे स्केल्स भी थोड़े से अप्रिशिएट हो रहे हैं। ये यस सर। ये क्या इरोजन है? इरोजन यस सर। इरोजन ये इरोजन है। इरोजन और अल्सर में क्या डिफरेंस होता है? सर इरोजन जो होती है इट इज जस्ट अ सुपरफिशियल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एपिडर्मिस, वेयर एज जो अल्सर होता है वो मतलब टोटल डिसकंटिन्यूटी होता है। टोटल एपिडर्मिस उड़ जाती है और फिर अल्सर बन जाता है। डीप और डीप होता है। अच्छा ये वैसे ये एक लीजन डीप है लेकिन चूंकि ये लीजन ऑलरेडी एक थिक प्लाग है तो हो सकता है कि ये बात सही हो कि ये एपिडर्मिस के अंदर ही है और ये इतना डीप नहीं गया क्योंकि इसका जो बेस है वो इतना ज्यादा बीफी रेड बेस नहीं तो मोर ऑफ अ इरोजन। वेल डिमार्केटेड है कि इल डिफाइंड है? Sir, it appears ill-marked. The plaque. Plaque irregular shape का है लेकिन well defined है। अच्छा, okay, ठीक है। अच्छा, है shape irregular लेकिन it is a well defined plaque। अच्छा और एक बात तो ये है कि this is a plaque, it is already raised from the surface. हाइपर दूसरा ये कि हाइपर पिगमेंटेड है, तीसरा ये कि इसमें कहीं पे स्केल्स है और कहीं पे क्रस्ट है, चौथा ये वायलेशियस कलर है, थोड़ा सा वायलेशियस कलर। ठीक है और कोई चीज ऐसी जो कोई और इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे कि इसकी अपीयरेंस के अंदर? वरुकस जब हम कहते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय वरुकस? वॉट लाइक वॉट लाइक वॉट लाइक फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म नहीं नहीं वॉट लाइक वरुकस का मतलब है कि वॉट लाइक और वॉट लाइक क्या होती है? फिलीफॉर्म विद प्रोजेक्शंस टाइनी प्रोजेक्शंस। नहीं नहीं फिलीफॉर्म इज समथिंग देखो वरुकस का मतलब है कि वॉट लाइक सरफेस और वॉट लाइक मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वॉट लाइक की बात कर रहे हैं तो वॉट लाइक क्या होता है? वॉट लाइक क्या है मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वॉट लाइक? सर व्हाट क्या होता है? इट्स हाइपरकेराटोसिस्टिक लीजन। हाँ इट्स हाइपरकेराटोसिस ना अ प्रोलिफरेशन ऑफ द केराटिनोसाइट्स। हम देखो अगर स्किन के हिस्टोलॉजिकली हाइपरकेराटोसिस होगा अगर लॉजिकली हाइपर कैराटोसिस होगा तो वो क्लिनिकली ना एक वरुकस से लीजन्स की तरह नजर आएगा। फॉर एग्जांपल वॉट हो गया या केराटो एकेंथोमा हो गया जिसके अंदर काफी सारा सा केराटिन जमा हुआ होता है तो इस तरह का एक कैराटोटिक सरफेस जो होगा ना वरुकस या कैराटोटिक सरफेस वो हिस्टोलॉजिकली इट वुड गिव एन अपीयरेंस ऑफ हाइपर कैराटोसिस। जब हाइपर जब पैराकेराटोसिस होगा तो फिर जो अपीयरेंस आएगी वो आएगी स्केल्स की। ठीक है जैसे कि सोरायसिस है। अब सोरायसिस में स्केलिंग है और स्केल्स डिसलॉज हो जाते हैं थोड़े से एफर्ट के साथ। जो पैराकेराटोटिक स्केल्स होते हैं वो डिसलॉज हो जाते हैं थोड़े से एफर्ट के साथ। जबकि जो हाइपर कैराटोसिस होता है ना वो डिसलॉज नहीं होता क्योंकि हाइपर कैराटोसिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस।
वो आप कोशिश भी कर लेना तो वॉर्ट के ऊपर की जो वरुकस सरफेस है या केराटोकोनथोमा का जो वरुकस सरफेस है वो सरफेस उतर नहीं सकेगा। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये मैं फॉलो इसमें एक टॉपिक है यस सर आ रही है। अभी तो मैंने बात खत्म ही नहीं की, मैं आपको ना कुछ डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को देखते हुए। क्या ऐसे मुंह वैसे जिनके जिनके बच्चे बोल रहे हैं वो काइंडली उनको जरा चुप कराएं या फिर म्यूट कर जाएं। यार अच्छा ये एक लीजन है विच इज अ वेल डिमार्केटेड इरेगुलरी शेप हाइपर कैराटोटिक प्लाक। अब टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? क्या हुआ स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाइपर कैराटोटिक लीजन या वेरुकस लीजन या स्केलिंग या क्रस्टिंग, ये तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं जो हिस्टोलॉजिकल और क्लिनिकल कोरिलेशन मांगती हैं। वेरुकस या हाइपर कैराटोटिक लीजन्स जो हैं, ये लीजन्स वो हैं जो वॉर्ट लाइक हैं। और वेरुकस या हाइपर कैराटोटिक में एज ऑलरेडी द नेम सिग्निफाइज देयर इज हाइपर कैराटोसिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनिंग है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनिंग एक वेरुकस से लीजन की तरह जाहिर होती है। जो प्लाक है उसके ऊपर एक थिक सा प्लाक, थिक सा एक क्रस्ट सा, मतलब एक पार्ट ऑफ द प्लाक, वो लीजन जरा थोड़ा सा थिकेंड सा नजर आएगा, प्रोट्रूडेड सा, वॉट लाइक, जिसको हम वॉट लाइक कहते हैं। हम कोशिश भी कर लें तो हम ये जो हाइपर कैराटोटिक एरिया है या जो वेरुकस एरिया है उसको उतार नहीं सकते। लेकिन अगर थिक से थिक भी स्केल होगा, थिक से थिक भी स्केल होगा तो वो विद एफर्ट उतर जाएगा। जिस तरह सोरायसिस के थिक स्केल होते हैं उतरते हैं तो साथ ऑस्पिट साइन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो स्केलिंग होगी वो उतर जाएगी, लेकिन जो हाइपर कैराटोसिस है वो नहीं उतरेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी लिजन के ऊपर लिजन थिकेंड सरफेस नजर आ रहा है लिजन का, आपने ये करना है कि आपने अपने टंग डिप्रेसर से उसको थोड़ा सा जेंटली स्क्रैच करना है लिजन के ऊपर से। अगर तो वो सरफेस से ऊपर से स्केल उतर रहे हैं तो देन आप ये समझेंगे कि ये लिजन लिजन के अंदर पैरा कैराटोसिस है, और अगर वो नहीं उतर रहे तो उसका मतलब है कि ये हाइपर कैराटोसिस है, ये वेरुकस सरफेस है। और तमाम कैराटोडर्मास वॉटी लीजन्स हाइपर कैराटोसिस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और तीसरी चीज जो क्रस्ट है वो मैंने पहले बताया, क्रस्ट क्लेम है टूटे पैसे। काइंडली आप सब जो है ना म्यूट कर लेना, आवाज नहीं आ रही। A5 जिसका भी फोन है प्लीज अपने आप को म्यूट करें। काइंडली सारे म्यूट कर लें क्योंकि सर की आवाज एक हमें आ ही नहीं रही। तो सर जब बात खत्म करते हैं फिर आप लोग अपने आप को अनम्यूट किया करें। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको
एक वरुकस सरफेस और एक स्केली सरफेस के क्लिनिकल डिफरेंशिएशन में ये एक आपको एक बात बताई कि आपने उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके देखना है, अगर तो वो सरफेस पे स्केल उतरते हैं तो फिर वो स्केलिंग है, वरना अदरवाइज ये हाइपर केराटोसिस है या थिकनिंग ऑफ स्टेटम कॉर्निया क्रस्ट। और आपको पता ही है कि ये एक एक्यूट लिजेंड की एक्यूटनेस जाहिर करता है और क्रस्ट इज यूजुअली सीरम एंड न्यूट्रोफिल्स, जो ऊजिंग होती है वूंड के अंदर से वो ऊपर जम के ना क्रस्ट बन जाती है। क्रस्ट मौजूद है इसके मतलब है कि लिजन एक्यूट है, और ये भी मतलब है कि लिजन इन्फेक्टेड है, ये भी मतलब है कि लिजन में इचिंग हो रही है जिसकी वजह से ऊजिंग, तो मल्टीपल उसके कोनोटेशन हो सकती है। क्रस्ट और स्केल दोनों की मतलब ये है कि लिजन एक्यूट ऑन क्रॉनिक है, मतलब एक्यूटनेस भी चल रही है और लिजन की ड्यूरेशन भी कोई महीने डेढ़ महीने पुरानी, दोनों चीजें का मतलब है कि लिजन एक्यूट ऑन क्रॉनिक। अब ये वाला जो सरफेस है ना, इसमें यहाँ पे कई जगहों पे स्केलिंग नजर नहीं आ रही, ये भी जो थी ना ये शाइनिंग सी थी, ये हाइपर कैराटोटिक सरफेस था, ये स्केली सरफेस नहीं था। कोई बात, कोई शक नहीं है कि यहाँ पे क्रस्ट है, और ये भी शक नहीं है कि यहाँ पे इरोजन है। तो इस लिजन को आप एक्सप्लेन करते हुए मैं ये आपको कहूंगा कि दिस इज अ लिजन ऑन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ अ फुट, ये नहीं कह सकते कि ये राइट है कि लेफ्ट है, क्योंकि तस्वीर में ये क्लैरिटी नहीं हो सकती, या तो दोनों पांव नजर आ रहे हो तो आप राइट लेफ्ट कह दीजिए। तो मीडियल सरफेस ऑफ अ फुट देयर इज अ लेजन व्हिच इज वेल डिमार्केटेड बट इररेगुलर इन शेप, हाइपर कैराटोटिक विद विद क्रस्टिंग एट प्लेसेस एंड इरोशन। तो ये है इस लेजन की डिस्क्रिप्शन। नाउ इसके डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल्स आपने बताने हैं। लाइकन प्लैनस हाइपरट्रॉफिक हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस, ठीक है, हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस क्या? अच्छा, पहला डिफरेंशियल आ गया हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस का। मुझे बताएं कि हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस जो आप देखते हैं नॉर्मली, क्या ये वैसे ही है? नो सर। नहीं वो कैसे नजर आता है और ये उससे कैसे मिलता है और कैसे किसने कहा था हाइपरट्रॉफिक एलपी? हाइपरट्रॉफिक एलपी किसने कहा था? यार इस तरह तो फिर नहीं चलेगी क्लास। लेग्स पे और ये एंकल से ऊपर ही नजर आ जाते हैं। अच्छा, और सर कलर तो तकरीबन सेम ही, और ये स्केलिंग उसमें यूजुअली नहीं होती। स्केलिंग तो देखो लाइकन पेनिस में तो स्केलिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना, तो लाइकन पेनिस में स्केलिंग केराटोसिस और हाइपर ग्रेनुलोसिस एक्सपेक्ट करते हैं ना। पैरा केराटोसिस तो लाइकन पैनस का फीचर नहीं है एलपी का, जनरली फीचर नहीं है एलपी का। तो आमतौर पे जो हाइपरट्रॉफिक लाइकन पैनस के लेजन्स हैं वो शिन्स के ऊपर नजर आते हैं। लेजन्स जो है ना वो पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स हैं, प्लाक्स हैं, लेकिन इतने बड़े डिफ्यूज प्लाक्स नहीं होते आमतौर पे शिन के ऊपर। राउंडेड 1 to 2 centimeter के प्लाक्स हो जाएंगे हाइपर केराटोटिक। ये थोड़ा सा बड़ा है और इसकी ना जो लोकेशन है वो लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब एक सॉलिटरी है, वो मल्टीपल भी होंगे। ये एक सॉलिटरी है, लार्ज है और फुट के ऊपर, लेकिन हाइपरट्रॉफिक एलपी शुड बी वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और क्या हो सकता है? जो जिसने अभी ट्यूबरक्लोसिस वेरुकोसा क्यूटिस बताया, सूरज। अच्छा ठीक है, दूसरा नाम इसका है वॉटी टीबी। यस सर। कुछ मुझे बताओ कि व्हाट इज द वॉटी टीबी या ट्यूबरक्लोसिस वेरुकोसा क्यूटिस क्या होता है? सूरत
सर बेसिकली सर इनोकुलेशन सर बाय मल्टी बेसलरी सर जो हम लोग टीबी क्लासिफाई करते हैं उसी में सर आता है बाय इनोकुलेशन मेथड थ्रू सर बाय डायरेक्ट इनोकुलेशन वेरी वेरी डायरेक्ट इनोकुलेशन नॉन इम्यूनाइजेशन ठीक है मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस वेरुकोसा क्यूटस है ये वाटी टीबी है ये प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है जी सर प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब ये है कि जब टीबी का एक टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में एंटर होता है उस वक्त पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनाइज नहीं है टीबी से जो ऑलरेडी इम्यूनाइज होता है उसमें जो टीबी के लेजेंड्स बनते हैं वो होते हैं सेकेंडरी टीबी अब प्राइमरी टीबी हमारे स्किन में एक तो वाटी टीबी है दूसरा ऑरोफेशियल ट्यूबरक्लोसिस है जबकि लूपस वल्गैरिस या स्क्लेरोडर्मा ये प्राइमरी टीबी नहीं है सेकेंडरी टीबी है टीबी किसी और जगह पे होगी और ये लीजन्स कहीं और बनेंगे ठीक है तो आमतौर पे वाटी टीबी और पेरी ऑरोफेशियल टीबी जो प्राइमरी इनोकुलेशन की वजह से होती है ये ऐसे एरियाज में होगी कि जहां से एक्सेस आसान है जरासीम के एंटर होने की जैसे कि पाँव फीट है फीट इज वेरी कॉमन एरिया के जहाँ पे वेरुकोस ट्यूबरक्लोसिस अच्छा एक और बात ट्यूबरक्लोसिस वेरुकोसा क्यूटस की पहचान के लिए इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि यूजली जो टीबी है वो एक तरह का इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होते इन्फेक्शन कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होते वो एसिमेट्रिकल होंगे तो एक पाँव में हो रहा है दैट गोज मोर इन फेवर ऑफ वाटी टीबी रादर देन टू एनी अदर डायग्नोसिस अगर फॉर एग्जाम्पल सोरासिस है या हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस है बोले फायदा मैंने मना तो नहीं किया हुआ सर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस अच्छा एक मिनट ठीक है एक क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस अगर तो सॉलिटरी लीजन है तो ट्यूबरक्लोसिस वेरुकोसा क्यूटस का पॉसिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस क्योंकि यूजुअली हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनस इज नॉट एन इन्फेक्शन उसमें ना लीजन्स ज्यादा और सिमेट्रिकल होने चाहिए जिस तरह से सोरासिस हो गया या कोई और ऐसी डिसऑर्डर हो गया क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के लीजन्स आमतौर पे हाइपर कैराटोटिक स्केली प्लाक्स होते हैं और यूजुअली क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के लीजन्स अगरचे होते बहुत पुराने लेकिन अपनी एक्यूटनेस मेंटेन कर रहे होते हैं तो ऊजिंग और क्रस्टिंग इज पार्ट ऑफ द लीजन जैसे कि इसके अंदर है तो ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस भी हो सकता है कोई इसमें शक की बात नहीं है फिर सिर्फ इसमें जरा डिफरेंस ये है कि यूजली क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस सॉलिटरी नहीं होता डीप माइकोसिस में लीजन्स एसिमेट्रिकल होंगे लेकिन होंगे मल्टीपल तो लेकिन क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस इज अ गुड डिफरेंशियल सर कुटेनियस में नहीं दो तरह के होते हैं आमतौर पर हम देखते हैं मतलब एक्यूट और एक क्रॉनिक एक्यूट में जिसमें अल्सरेटेड लीजन्स होते हैं मेजर की वजह से और जो लिश्मिनिया ट्रॉपिका की वजह से हाइपर कैराटोटिक लीजन होता है यूजली ऑन एक्सपोज्ड सर्फेसेस वो बातें सब ठीक है सॉलिटरी लीजन भी हो जाते हैं मल्टीपल लीजन भी होते हैं लिश्मिनियसिस में जनरली सेल्फ हीलिंग है अगर कुछ नहीं भी करेंगे तब भी 8-9 महीनों में लेजन्स ठीक हो जाते हैं somehow ब्रोंकोमाइकोसिस आप पीछे चल रहे हैं मुझसे या आगे चल रहे हैं मुझसे साथ चल रहे हैं सर आप नहीं चल रहे मैं तो अभी आपसे लिश्मिनियसिस की बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि लिश्मिनियसिस की somehow ये लुक लिश्मिनियसिस की नहीं है क्योंकि इसमें लीजन लुक लाइक क्वाइट एन ओल्ड लीजन तो पुराना सा लीजन लग रहा है जो मतलब जिसके अंदर उतनी एक्यूटनेस नहीं है कि जो आमतौर पे कुटेनियस लिश्मिनियसिस की होती है लेकिन किसी ना किसी जगह पे कुटेनियस लिश्मिनियसिस का डायग्नोसिस आएगा जरूर हम डिफरेंशियल्स के ऊपर नहीं रखेंगे लेकिन एंड पे हम रख सकते हैं हम इसको ना लिश्मिनियसिस मतलब बायोडिश्मिनिया ट्रॉपिका हम इसको रख सकते हैं और
सर लुपस वल्गैरिस, लुपस वल्गैरिस भी हो सकता है अगर हमने वाटर टीबी कही है तो लुपस वल्गैरिस आम तौर पे इतना वरुकस लुपस वल्गैरिस इतना वरुकस नहीं होता, वरुकस की वजह से हमने इसको वाटर टीबी कहा था और लुपस वल्गैरिस नहीं कहा था। अगर लीजन ज्यादा अल्सरेटिव टाइप का होगा, अल्सरेटिव थोड़ा सा नेक्रोटिक सॉलिटरी लीजन, तो वो हम ज्यादा लुपस वल्गैरिस की तरफ जाएंगे। ये जरा इसमें इरोजन है लेकिन वो प्रॉपर अल्सरेशन नहीं है जो लुपस वल्गैरिस की है। तो अगर हम टीबी ही कंसिडर कर रहे हैं तो बेहतर डायग्नोसिस इज वॉटर टीबी। बोट्रोमाइकोसिस भी वैसे ही आम तौर पे नजर आता है जैसे कि एक्टिनोमाइकोसिस नजर आता है। एक्टिनो मतलब जब आप सर इरोसिवल भी लग सकते हैं। सर इरोसिवल भी इरोसिव लाइकन प्लैनिस, लाइकन प्लैनिस तो आपने कह दिया ना हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनिस है, ये तो आपने पियंस भी है ऊपर। हाँ एक इरोजन भी है लाइकन प्लैनिस, इरोसिव एलपी के हैं, हाइपरट्रॉफिक एलपी के हैं, डायग्नोसिस तो एक ही है ना। एक्जिमा के कोई फीचर नहीं है। डीएलई सर पेरिटोइड रेटिकुलरिस रख सकते हैं। कौन सा सर? पेरिटोइड रेटिकुलरिस, पेजिटोइड रेटिकुलोसिस, पेजिटोइड रेटिकुलोसिस, 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 रेटिकुलोसिस। हाँ और सर इसमें CD8 लिम्फोसाइट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सर यूजुअली यूनिलैटरल आते हैं, साइट जो है वो टिपिकल है। सर बेसिकली इट्स ओनली सॉलिटरी स्केली प्लाक, इट्स प्रेजेंट ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट, इट्स ओनली स्केली प्लाक एंड देयर इज नो एनी फीचर्स ऑफ द सच एज हाइपर पिगमेंटेशन और एनी पिक्चर इज शोइंग इट्स अ वेल डिमार्केटेड प्लाक, इट्स ओनली स्केली लेजन दैट प्रेजेंट ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट। आपने तस्वीरें देखी हैं रुक में पेजिटोइड रेटिकुलोसिस की? जी सर। पेजिटोइड रेटिकुलोसिस की अपीयरेंस वॉटी टीबी से बहुत मिलती है और वॉटी टीबी के डिफरेंशियल्स में हमेशा पेजिटोइड रेटिकुलोसिस को डालना है आपने। और जब आप जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हिडन एरियाज के ऊपर ट्रंक पे बॉडी पे अगर कोई सुरेसी फॉर्म सॉलिटरी प्लाक आ रहा है तो आप बोवंस सोचें, जरूर सोचें, सुरेसिस के साथ साथ बोवंस को जरूर सोचें। इस तरह से अगर पैरों पे कोई सॉलिटरी हाइपर कैराटोटिक प्लाक आ रहा है तो आप पेजिटोइड रेटिकुलोसिस जरूर सोचें, पेजिटोइड रेटिकुलोसिस जरूर सोचें अगर सॉलिटरी हाइपर कैराटोटिक प्लाक आ रहा है। तो अभी जो हमने डिफरेंशियल्स किए मेरे ख्याल काफी है जो डिफरेंशियल्स हमने कर लिए। हमने डिफरेंशियल किया सबसे पहले हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लैनिस का, फिर आया वाटर ट्यूबरक्लोसिस का, फिर आया क्यूटेनियस लिश्मेनियसिस का, फिर आया क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस का और फिर आया ये पेजिटोइड रेटिकुलोसिस का। ये वॉट भी हो सकता था लेकिन चूंकि वॉट के लिए भी ये बहुत बड़ा सरफेस है, इस किस्म का वॉट मुकेशन वॉट कहलाता है, जो बहुत बड़े सरफेस को इन्वॉल्व कर लेना तो उसका उस एरिया को हम उस वार्ड को हम मुकेशन वार्ड कहते हैं, तो वार्ड का भी हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छे थे लेकिन अगर मैं इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस को ऑर्गेनाइज करूँ ना तो मैं इस पहला खुश होऊंगा कि अगर आप इसको वॉटी टीबी कहें और सेकंड डायग्नोसिस शुड बी पेजिटोइड रेटिकुलोसिस। ओके क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में मुझे कोई इतराज नहीं है, लुक्स लाइक क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, सॉलिटरी है एक है, बड़ा अनयूजुअल सी बात। लिश्मेनियसिस के लिए थोड़ा सा मेरे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि लिजन थोड़ा सा पुराना है, लिश्मेनियसिस के लिए लिजन को जरा थोड़ा सा और एक्यूट होना चाहिए। और हाइपरट्रॉफिक एलपी के लिए सिर्फ ये है कि ये सिर्फ सॉलिटरी लिजन है, कोई और लिजन किसी और जगह पे कोई ना कोई आपको हिंट जरूर देना चाहिए एलपी की। जब आप इन टोटल पेशेंट को देख रहे होंगे तब आपको कहीं ना कहीं से हिंट कोई मिलेगी तो आप
एलपी को ऊपर रखना है, वरना फिर आपने एलपी का को नीचे कहीं किसी जगह पे एलपी को फिट कर। ये जो केस है ये मेरा केस है पेजिटॉइड रेटिकुलोसिस का। जितने आपने डिफरेंशियल इसमें नहीं लिखे हुए मेरी तरफ से, वो सारे डिफरेंशियल जो भी डिस्कस किए वो सब डिफरेंशियल्स ठीक हैं, करेक्ट हैं। पेजिटॉइड रेटिकुलोसिस के बारे में चंद बातें आपको कर दूं। इट्स अ रेयर टी सेल प्रोलिफरेटिव कंडीशन विद मेल प्रीडोमिनेंस। इट इज कैरेक्टराइज बाय लोकलाइज localized scaly plaque, lymph nodes may be involved and recurrence is not uncommon. Pagetoid reticulosis ke andar as you are already mentioning ke it is a scaly plaque aur plaque ka matlab ye hai ki there is epidermal hyperplasia. Normal MF se pagetoid reticulosis is tarah different hai ki iske andar एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और उसके अलावा एपिडर्मोट्रोपिज्म तो है ही है क्योंकि ये फीचर मतलब ये सब टाइप तो एमएफ की ही है। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स एपिडर्मस के अंदर मौजूद होंगे और काफी सारे होंगे और नीचे डर्मस में भी होंगे और CD3 इज अ पैन टी सेल मार्कर। जब हम एमएफ को की इम्यूनोस्टोकेमिस्ट्री करते हैं तो हम जो पहला हमारा पैनल होता है वो CD3 और CD20 का होता है। तो MF के अंदर क्लासिकली CD3 पॉजिटिव और CD20 नेगेटिव है क्योंकि CD20 पैन बी सेल मार्कर है। तो CD20 को नेगेटिव होना CD3 को पॉजिटिव होना तो पहली शर्त है MF की। दूसरी जो हम सेकंड पैनल मार्कर का लगाते हैं MF में वो होता है CD4 और CD8। आमतौर पर कुछ लोग CD7 भी लगाते हैं क्योंकि CD7 का लॉस होता है MF में और नॉर्मली MF में CD4 CD8 से कम अज कम 2 या 3 गुना ज्यादा होते हैं। मतलब यही टी सेल लिम्फोसाइट्स जब आप CD4 करेंगे तो वो 2-3 गुना ज्यादा होंगे CD8 से। लेकिन किसी ने पेजिटॉइड रेटिकुलोसिस के लिए सही कहा, यूजली पेजिटॉइड रेटिकुलोसिस में CD4 नेगेटिव CD8 पॉजिटिव पॉपुलेशन होती है, रिवर्सल हो जाती है इस रेशो। अदर कॉम्बिनेशन रेयर हैं कि जिसमें दोनों 4 और 8 दोनों नेगेटिव हों और 4 और 8 दोनों पॉजिटिव, लेकिन ज्यादातर जो देखा जाता है जो एक्सप्लेन किया जाता है पेजिटॉइड रेटिकुलोसिस में जो टी सेल्स हैं उसमें ज्यादातर पॉपुलेशन CD8 सेल्स की होती है, CD4 सेल्स की नहीं होती। अब ये आ गई हमारी आज की दूसरी स्लाइड। कोई भी बताए क्या नजर आ रहा है? Any volunteer, जो अभी बोल चुके हैं उनके अलावा, जो बोल चुके हैं उनके अलावा, जो ऑलरेडी बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। सर, पंक्टेट ल्यूकोनाइकिया इन्वॉल्विंग मल्टीपल नेल्स। पंक्टेट ल्यूकोनाइकिया इन्वॉल्विंग मल्टीपल नेल, मेरे ख्याल है इससे ज्यादा इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पंक्टेट सर एक वर्ड स्ट्राइट ल्यूकोनाइकिया आता है। देखिए मैंने सूरत आपको कहा था कि वो जो लोग पहले बोल चुके हैं वो अब दोबारा नहीं बोलेंगे। और 100 लोग इस वक्त इस ग्रुप में शामिल हैं और लोगों को मौका देना है बात में। अब आपने नहीं बोलना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा बोली है। तो अभी आपने नहीं बोलना है और अभी कोई और बोलेगा। जो सूरत ने कहा वो ठीक है या कुछ और डायग्नोसिस है इसका? हाँ देखो, जो चीज इस वक्त प्रोमिनेंटली नजर आ रही है वो ये है कि एक तो बच्चा है, उसके बाद उसके नाखूनों में देर आर पंक्टेट ल्यूकोनाइकिया, छोटे छोटे लीजन्स हैं जिनको हम पंक्टेट लीजन्स कह सकते हैं और वो वाइट एरियाज हैं, डिफ्यूज ल्यूकोनाइकिया नहीं है, पंक्टेट ल्यूकोनाइकिया। जब आपको नेल की एक एबनॉर्मेलिटी नजर आए तो फिर हाँ आपने और चीजें ढूंढने की कोशिश करनी है जो नेल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, लाइक पिटिंग देखेंगे, लाइक रिजिंग देखेंगे, लाइक स्प्लिंटर हेमरेजेस देखेंगे, क्यूटिकल्स देखेंगे, ये सारी चीजें आपने देखनी है। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर पंक्टेट ल्यूकोनाइकिया की कॉजेज ढूंढ।
या कॉजेज एक्सप्लेन करनी, हो सकता है कि एग्जाम में ये स्लाइड लगाई जाए और आपसे पूछें गिव फाइव कॉजेज, तो क्या कॉजेज होते हैं जी पंक्चुएट ल्यूकोनिकिया के? ट्रॉमा, ट्रॉमा, ठीक है, नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग ट्रॉमा, ठीक है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, कीमोथेरेपी इंड्यूस भी हो सकता है, और सर ड्रग्स और आर्सेनिक एंड मेथिल पॉइजनिंग में भी, ड्रग्स और भी है कीमोथेरेपी के अलावा, सही है, और इनहेरिटेड हो सकता है, इनहेरिटेड मतलब शुरू ही से कंजेनिटल नहीं है जी, लेस लाइकली, और कोई चीज, कोई इन्फेक्शंस, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कैल्शियम, ट्रॉमा मेनी क्योर्स, एक कंडीशन होती है सुपरफिशियल वाइड ऑनिकोमाइकोसिस, जी सर ऑनिकोमाइकोसिस, एक उसका जरूर इस कंडीशन में जो अभी नजर आ रहा है उससे फर्क ये जरूर है कि वो सिमेट्रिकली सारे नाखूनों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ओनिकोमाइकोसिस कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होता, इट्स ऑलवेज एसिमेट्रिकल, दो तीन चार नाखून इन्वॉल्व होंगे इरेगुलर से, लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, पॉसिबिलिटी तो हम जहन में रख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस इन्फेक्शन के नहीं है, ट्रॉमा हो गया, मैनिक्योर, डे टू डे नेल इंजरीज, फुटवेयर इंजरीज, पॉइजनिंग, कीमोथेरेपी, सल्फोनामाइड, सिस्टमिक डिजीजेस लाइक आयरन डेफिशिएंसी, सिरोसिस, किडनी फेलियर, हाइपरथायरॉइडिज्म, है लिखा तो नहीं है वैसे कॉजेज में, हाइपरथायरॉइडिज्म, हार्ट फेलियर, डायबिटीज हो गया जी, और जिंक डेफिशिएंसी, psoriasis, eczema, superficial white onychomycosis. So these are usually the causes. हमने ठीक discuss किए. Now let's move to this case. जो मेरे MH के trainees हैं, जिनको ये चीज़ याद है, वो जरा अभी नहीं बोलेंगे. जरा मुझे बाकी लोगों को बोलना है. अच्छा जी. Anybody? कोई मुझे बताए एपी क्या नजर आ रहा है? मल्टीपल कौन बोल रहा है? एक सिंबल आप पहले बोली तो नहीं है? बोला था, नहीं अभी ना बोले सिंबल, अभी किसी और को बोलने ने, ये हाफिज नबीद, और किसने बोला था अभी? सर डॉक्टर नुमान लाहौर से. हाँ चलो नुमान बताओ क्या नजर आ रहा है? सर मल्टीपल टाइनी पैप्यूल्स ओवर द टी स्पेक्ट ऑफ थाई एंड नी, ऑल्सो इन्वॉल्व द सम पार्ट ऑफ द शिन एंड फ्यू मेटिस पैचेस, लाइक अप्रिशिएट इतने नहीं हो रहे, मॉलिशियस एरिथमेटिस, क्या अप्रिशिएट नहीं हो रहे? अच्छा चलो वो बाद में करना, ये तो तुमने पहली डिस्क्रिप्शन बताई है ना, ये टाइनी पेप्यूल्स. अच्छा कुछ और बताओ के बारे में, किस किस्म के पेप्यूल्स हैं ये? सर शाइनी हल्के से. अच्छा और नुमान जी सर फॉलिकुलर एंड कैराटोटिक हल्के से माइंड फील हो रहे हैं, मतलब ये जो पेप्यूल्स हैं ये फॉलिकुलर पेप्यूल्स नजर आ रहे हैं, देखो ना साइज इनका कितना छोटा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये फॉलिकल्स की थोड़ी सी हाइपरट्रॉफी है फॉलिकल की, जैसे जिसको हम क्लासिकली फॉलिकुलर कैराटोसिस कहते हैं, ये सारे जो पेप्यूल्स है ना ये फॉलिकुलर प्रोमिनेंसिस के ऊपर है. आप ये कह सकते हो कि ये जो है ना जो टाइनी पेप्यूल्स हैं, माइक्रो पेप्यूल्स हैं, ये फॉलिकुलर पेप्यूल्स हैं, और यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये लीजन्स जो है ना ये हाइपर कैराटोटिक भी हैं, मतलब कैरेटिन भी बसी हुई है इनके अंदर,
हाइपर कैराटोटिक पेप्यूल्स हैं, थाइस के ऊपर भी, नी के ऊपर भी और शिन के ऊपर भी, और तुमने कहा कि कुछ एक वायलेशियस ह्यू नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा एक्सपोजिशन। अच्छा ठीक है, वायलेशियस ह्यू, ये यहाँ पे एक वायलेशियस ह्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे भी शायद वायलेशियस ह्यू नजर आ रहा है, ये भी थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो और कुछ? नोमान किधर गए? एक्सक्रीशंस भी हैं। हाँ एक्सक्रीशंस भी नजर आ रही है। एक्सक्रीशंस एक्सकोरिएशन कहाँ नजर आ रही है? सर इस वाले पे, लेफ्ट लेफ्ट पे, ये लेफ्ट पे, लेफ्ट के नीचे, ये लेफ्ट नी के लॉन्ग, लेफ्ट नी के लॉन्ग, नी के पास सर, यहाँ ऊपर, ये यस यस, ये 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 सर, ये। अच्छा चलो, anybody for the diagnosis? KPs, lichen nitidus, scleroderma, lichen sclerosorum, rhinoderma, rhinoderma, rhinoderma। आप लोग DD कर रहे हैं follicular keratosis का, follicular keratosis या केराटोसिस पाइलरिस, इसकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस या इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। केराटोसिस पाइलरिस एक सबसे बेसिक फॉर्म है कि जिसके अंदर फॉलिकुलर केराटोसिस होता है, माइक्रोपेप्यूल्स होते हैं, थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएं तो लाइकेन स्पाइनलोजा हो जाता है, और प्रोमिनेंट हो जाए तो फाइरिनोडर्मा हो जाता है, एट्रोफी आ जाए तो एट्रोफी वर्मिकुलेटा भी हो जाती है, आमतौर पे आईब्रोज के ऊपर इस तरह के लीजन्स आ जाते हैं, एट्रोफिक केराटोटिक लीजन्स विद केराटोसिस पाइलरिस। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म्स है ना, ये फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस की हैं या केराटोसिस पाइलरिस की। इसके अलावा जो डिफरेंट दूसरा डायग्नोसिस था वो था लाइकेन नीटिडस का। Lichen nitidus is not follicular. Lichen nitidus के जो lesions हैं वो perifollicular तो होंगे लेकिन follicular नहीं होंगे। Lichen planopilaris is follicular, लेकिन lichen nitidus is not follicular. ठीक है, ये बात आप, और दूसरी बात ये कि lichen nitidus में मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि there is no hyperkeratosis. इतना ज्यादा प्रोमिनेंट केराटिन नहीं होता, और दूसरा वो तो फॉलिकुलर है ही नहीं, वो इट विल कम इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टाइनी माइक्रो पेप्यूल्स। लेकिन अगर हम शाइनी फॉलिकुलर पेप्यूल्स की डीडी करेंगे तो फिर लाइकन निटिडस उस डीडी का हिस्सा नहीं है, और सिमिलरली लाइकन स्क्रोफुलोसोरम जो ट्यूबरक्लीड है वो भी फॉलिकुलर नहीं है, वो भी फॉलिकुलर नहीं है, वो भी पैरी फॉलिकुलर तो हो सकती है लेकिन वो फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस नहीं पैदा करती। लेकिन स्क्लेरोफोरम के जो लीजन्स हैं उसकी एक और खास बात ये होती है कि वो लीजन्स एन्युलर कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब जो पेप्यूल्स हैं वो रिंग से आप बनाएंगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए फॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लीजन्स का होना लाइकन स्क्लेरोफोरम करता है। एक और डिफरेंशियल आता है स्किन कलर्ड माइक्रोपेप्यूल्स का, और वो है मिलियेरिया प्रोफंडस। मिलियेरिया प्रोफंडस भी चूंकि फॉलिकुलर नहीं है, ये भी स्वेट कॉइल्स की प्रॉब्लम है, स्वेट कॉइल्स की इन्फ्लेमेशन है, वहीं पे सारा का सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी पेरीफॉलिकुलर हो। ठीक है, हम अभी हमने ना दो डिफरेंशियल्स इस वक्त डिस्कस किए, एक डिफरेंशियल्स हैं फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस के और एक डिफरेंशियल है पेरीफॉलिकुलर
माइक्रोपेप्यूल्स। फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस में केराटोसिस पाइलेरिस और ऑल द अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। लाइकन प्लैनोपाइलेरिस इसलिए नहीं कह रहा कि लाइकन प्लैनोपाइलेरिस आम तौर पे स्कैल्प में होता है और बॉडी पे भी हो सकता है, लेकिन लीजन्स उसके इतने माइक्रोपेप्यूल्स नहीं होंगे, वो बड़े लीजन्स होंगे। और स्किन कलर्ड पेरीफॉलिकुलर पेप्यूल्स, उनके डिफरेंशियल में लाइकन निटिडस भी आएगा, लाइकन स्क्लेरोसोरम भी आएगा और लूपर मिलेरिया प्रोफंडस भी आएगा। और कोई चीज सोच सकते हो? और कोई चीज? फॉलिकुलर लाइकन प्लैनस इज एक्चुअली लाइकन प्लैनोपाइलेरिस, जिसके अंदर ना लाइकन मतलब फॉलिकुलर प्लगिंग भी है और उन फॉलिकल्स की के अंदर एट्रोफी भी होती है। ये लीजन्स फॉलिकुलर होंगे लेकिन इतने छोटे माइक्रोपेप्यूल्स नहीं होंगे, उनका साइज बड़ा होगा लीजन का, क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा एक्सटेंसिव है। फॉलिकुलर एक्जिमा भी हो सकता है, एक्जिमेटस के लीजन्स कहीं ना कहीं तो एक्जिमेटस नजर आए ना लीजन्स, अगर आप एक्जिमा कह रहे हैं, इतने माइक्रोपेप्यूल्स नहीं होंगे। ये वाले लीजन्स केटी टाइप लीजन्स हैं, ये लीजन्स इतने जो छोटे हैं ना, जो सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे लीजन्स, सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो फॉलिकल्स की, एक सेकंड प्लीज, सिर्फ ये कर रहे हैं लीजन्स के सर लोकलाइज्ड पीआरपी और पेरिफॉलिकल में प्लस पीआरपी लोकलाइज्ड। देखो पीआरपी के जो लीजन्स हैं वो मेनली जो लीजन्स हैं वो सोरेसिफॉर्म है। फर्क ये है कि वो जो सोरेसिफॉर्म लीजन्स हैं उनके फॉलिकल्स फॉलिकुलर प्रोमिनेंस होती है। एक आम सोरेसिस के मुकाबले में पीआरपी में जो प्लाक्स होंगे, उन प्लाक्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो उन प्लाक्स में जो फॉलिकल्स हैं वो फॉलिकल वाली जगह जरा ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी, प्लस आपको एरियाज ऑफ स्पेरिंग नजर आएंगे। लेकिन बेसिकली जो लीजन पीआरपी का है वो सोरेसिफॉर्म अपीयरेंस का है। एक प्लाक दैट वुड बी इरिथिमेटस स्केली प्लाक विथ फॉलिकुलर प्रोमिनेंस एंड एरियाज ऑफ स्पेरिंग, ये पीआरपी है। यहाँ पे हमें कोई प्लाक में नजर नहीं आ रहा, कोई इरिथीमा नजर नहीं आ रहा, हमें सिर्फ फॉलिकुलर केराटोसिस नजर आ रहा। अच्छा, फ्लैजेल डिजीज, फ्लैजेल डिजीज मैंने आपको उस वक्त डिफरेंशियल में बताई थी जब मैंने पेपिलोस्क्यूमस किया था, क्योंकि वो सुपरफिशियल कॉनफेक्स टाइप स्केल्स होते हैं। देखो मैं यहाँ पे जो स्लाइड इन इस तस्वीर में लगाई गई है, जो पिक्चर देख रहे हैं आप, उसमें एक तो केपी टाइप लीजन्स हैं, दूसरे ये क्या चीज है, ये अब मैंने बतानी थी आपको ये देखो कितना ज्यादा बड़ा जॉइंट हुआ हुआ है नी। सर मैं आपको पहले बताने वाली हूँ, आपने कहा था एमएच वाले चुप रहे, हम इसलिए चुप। यस सर, मैं तो सबसे पहले नोट किया। यस सर, अच्छा ठीक है सर। नहीं, मैंने पहले नहीं देखी हुई स्लाइड, लेकिन आपने आप डीटीज डिस्कस कर रहे थे इसलिए हम चुप हो गए। देखो ये जो केराटोसिस पाइलेरिस टाइप लीजंस अलोंग विद एकिमोसिस एंड अलोंग विद स्वेलिंग ऑफ वन ऑफ द जॉइंट इज स्कर्वी। इसमें एक तो ये एकिमोसिस हो रही है, फॉलिकुलर केराटोसिस हो रही है, बाल इस वक्त नजर नहीं आ रहे, अगर बाल नजर आएंगे तो यूजली नॉर्मल हेयर्स नहीं होते, क्योंकि इतना ज्यादा हाइपर केराटोसिस हो जाता है कि हेयर की या तो गिर जाते हैं बाल, शॉर्ट्स भी होते हैं, या फिर उनकी ना उनको
सुनो तो वो जो बाल निकल रहे होते हैं उस, क्योंकि इतना फॉलिकल के अंदर हाइपर कैराटोसिस होता है कि उसको बाल बाल को बाहर निकलने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, तो वो जो जोर लगा के जो बाल बाहर निकलता है वो टेढ़ा मेढ़ा सा बाल होता है, तो इसलिए जो बाल निकलते हैं वो कॉर्कस्क्रू हेयर्स होते हैं। फिर एक्मोसिस, बिकॉज वही कॉलेजिन डिफेक्ट की वजह से हल्का सा ट्रॉमा होगा, एक्मोसिस हो जाएगा, और यही कॉज है ही आर्थराइटिस की भी, और जॉइंट स्वेलिंग भी होती है। तो ये है जी स्कर्वी। फॉलिकुलर केराटोसिस के डिफरेंशियल में केराटोसिस पाइलेरिस, लाइकन स्पाइनुलोजा, विटामिन सी डेफिशिएंसी, मेडिकेशंस, ये जरा याद रखें। ये चीज मैंने भी मेरे जहन में नहीं थी ये चीज कि फॉलिकुलर केराटोसिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय सम ड्रग्स। एक तो साइक्लोस्पोरिन है विच कैन कॉज फॉलिकुलर केराटोसिस। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, जानते हैं क्या चीज होती है? सर क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में यूज होता है, इमेटिनिब के नाम से आती है, काइनेज इनहिबिटर है। और भी इमेटिनिब इज प्रोटोटाइप जो सबसे पहले माइलोइड ल्यूकेमिया में लॉन्च किया, ऑस्टिनिब, बहुत सारी तो फैसल आमतौर पे सॉलिड ट्यूमर्स और ब्लड बॉन्ड ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में आजकल ब्रेस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में भी एक टायरोनेज काइनेज इनहिबिटर यूज हो रहा है। ब्रेफ इनहिबिटर क्या होता है? मेलानोमा में ये नया ट्रीटमेंट आया है मेलानोमा का, जो आर ए एफ म्यूटेशन है, ये इस म्यूटेशन के अगेंस्ट ये बायोलॉजिक काम करता है। तो ये ना दिस इज अ न्यू थिंग के फॉलिकुलर केराटोसिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय दीस ड्रग्स। मैंने यहाँ पे वो भी लिख दिए जो फॉलिकुलर केराटोसिस बेसिकली फॉलिकुलर नहीं है, लेकिन इसकी डीडी में आपने बताए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बताएंगे, लेकिन उसका जिक्र कर दिया। लेकिन बेसिकली लाइकन स्क्लेरोसोरम और लाइकन निडिडस फॉलिकुलर लीजंस। तो दूसरी चीज ब्रूजिंग, ब्रूजिंग कुड बी ट्रॉमा, ब्रूजिंग कुड बी कोएगुलोपैथीज, ब्रूजिंग कुड बी ड्रग्स, ब्रूजिंग कुड बी टॉपिकल एंड ओरल स्टीरॉइड्स और एलोडेंडोल। तो हमने जो विटामिन सी डेफिशिएंसी में देखना है वो ये कोएगुलोपैथी, जिसकी वजह से, और डेफिनेटली ब्रूजिंग ट्रॉमा की वजह से भी है, क्योंकि आपका कोलेजन जो सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स है वो भी वीक हो रहा है, तो इसकी वजह से ब्रूजिंग हो रही है। विटामिन सी डेफिशिएंसी इज नॉट अ वेरी कॉमन डेफिशिएंसी डर्मेटोसिस, क्योंकि विटामिन सी हमारे बहुत सारी गजा के अंदर मौजूद है। विटामिन सी डेफिशिएंसी सिर्फ उस वक्त होती है कि इफ द पेशेंट इज मेंटली रिटार्डेड, ओल्ड एज, जिसको खाने के लिए खुद करना पड़ता है, वो अपने खाने के ऊपर बॉदर नहीं करता, एल्कोहलिक्स। मैंने जो ये तस्वीर लगाई है ये एक ऐसे बच्चे की है जो सीपी चाइल्ड था, और उस बच्चे को लुक आफ्टर करने वाले लोग उसको इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो फिर इस तरह के स्पेशल बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। तो ही वॉज नॉट गिवन एनी फॉर्म ऑफ फ्रूट सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, जिसकी वजह से उसको स्कर्वी हुई। और स्कर्वी के साथ अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको प्रॉपर डोज के साथ विटामिन सी देंगे तो पेशेंट के सारे सिम्टम्स विद इन अ मंथ और टू रिलीव हो जाते होते। बाकी ठीक है, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि सिम्टम्स क्या, हम टॉपिक के ऊपर आते हैं ताकि हम ओके। कौन बताए? मैं नाम लूं किसी का या कोई वॉलंटियर है? सर देयर इज यूनिलैटरल टेस्टिकुलर स्वेलिंग एंड देयर इज स्ट्राइया सीन ओवर द एब्डोमेन, मुझे वाइलेशियस इन कलर। स्ट्राइया टेस्टिकुलर स्वेलिंग एंड सैगिंग स्किन। जी सर, एंड सो देयर इज सैगिंग स्किन एट द बॉटम एट लोअर एब्डोमेन। लैक्सिटी ऑफ द स्किन laxity of the skin, yes.
सिर्फ एब्डोमेन में है, ग्रोइंस में भी है और थाई एरिया में भी है। अच्छा, कॉज मतलब ये आर्म का हां अच्छा जी, अरन वेट लॉस की सर्जरी करवाई है ना, वो स्किन की ग्रॉस लैक्सिटी नजर आ रही है, स्किन हैंग हो रही है फोल्ड्स की तरह से, प्लस आपको ना बड़े बड़े हर्निएशन, हां कुशिंग, ये कुशिंग है, एक थोड़ी हर्निएशन, हर्निएशन हो रही है, स्वेलिंग में हर्निएशन लग रही है। कौन सी हर्निएशन? हर्निया है, नो हो सकता है क्योंकि टेस्टिस तो इतना स्वॉलन है, हो सकता है कि ये इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्टिकुलर की स्वेलिंग इतनी ज्यादा है कि वी कैन थिंक ऑफ सच काइंड ऑफ साइड में रिकॉर्ड। कॉज इफेक्ट तो ठीक है, हर्निया भी हो गया, स्किन की लैक्सिटी भी हो गई, स्ट्राया भी हो गए, व्हाट कुड बी द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या दे रहे हैं हम इसको? कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर राइट ओवरडोज एंड मेटस स्कैक्स, ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन क्या होती है? सो टेस्ट में मेलेंसी लीडिंग, किसने बताया ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन, किसने कहा? सदीम टीसीएल की टाइप। अच्छा, और क्या फीचर होता है ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन का? देखो जो ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन है ना, वो स्लैक स्किन तो है, लेकिन एज द नेम सिग्निफाइज कि वो ग्रैनुलोमेटस भी है, एज द नेम सिग्निफाइज वो ग्रैनुलोमेटस भी है, तो जो स्किन फोल्ड्स के अंदर जाएगी और इसके साथ साथ थिकेंड या इंड्यूरेटेड लुक भी देगी स्किन, अगर स्किन सॉफ्टिश है तो वो ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन नहीं है। अगर स्किन को आप फील करें और स्किन जो है वो हार्ड और इंड्यूरेटेड नहीं है तो वो ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन नहीं है। ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन के लिए स्किन का थिकेंड होना भी जरूरी है, लेकिन चूंकि स्लैकनेस है तो ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये बहुत डिफ्यूज है और स्ट्राया इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रैनुलोमेटस स्लैक स्किन। कुशिंग सिंड्रोम के साथ स्ट्राया तो है, कुशिंग सिंड्रोम के साथ क्या इतनी क्यूटेनियस लैक्सिटी भी एक्सप्लेन होगी? नो सर, वेट लॉस हो सकता, मतलब वेट लॉस की वजह से, मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी फैट लॉस हो सकता है ना, क्यूटिस लेक्सा सर, क्यूटिस लेक्सा वो कोई कोलेजन डिफेक्ट या कोई चीज, जी सर कोलेजन डिफेक्ट या कोई क्यूटिस लेक्सा इज अ पॉसिबिलिटी, और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होता है क्यूटिस लेक्सा कोई? जी सर, हाँ क्यूटेनियस लैक्सिटी, क्यूटिस लेक्सा इज अ लेटन ऑफ लूज और लैक स्किन, इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन दैट इज सैगिंग एंड नॉट स्ट्रेची, दैट इज इलास्टिसिटी नहीं होती लेकिन स्किन सैग हो जाती है। द स्किन ऑफन हैंग्स इन लूज फोल्ड्स कॉजिंग फेस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू हैव अ ड्रूपी एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली रिंकली स्किन मे बी पर्टिकुलरली नोटिस्ड ऑन द नेक, आर्मपिट एंड ग्रोइन एरियाज, मेनली ऑटोसोमल रिसेसिव है विच इज एसोसिएटेड विद सीवियर इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस लाइक जेनिटो यूरिनरी और जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलास, डायफ्रैग्मेटिक हर्नियाज, एम्फाइजीमा लीडिंग टू कॉर्ड पल्मोनरी एंड डेथ। अप्रोक्सीमेटली वन हाफ ऑफ द केसेस ऑफ एक्वायर्ड क्यूटिस लेक्सा
which is are associated with preceding inflammatory eruptions such as urticaria, eczema, erythema multiforme, vesicular eruptions, as well as reaction to penicillins and other drugs. Acquired cutis laxa is a rare cutaneous manifestation of hematological malignancies, particularly plasma cell dyscrasias, including multiple myeloma. Hypothyroidism owing to the isolated tryptophan deficiency has been reported in newborn with autosomal recessive form of congenital cutis laxa. So this was not a case of congenital cutis laxa. It was a case of acquired cutis laxa. Acquired cutis laxa. के ये सारे causes यहाँ पे लिखे कि जिसमें preceding inflammation भी हो सकती है, drug reaction भी हो सकता है, malignancies भी हो सकती है, like जैसे plasma cell dyscrasia और multiple myeloma. ठीक है? What are the treatment options for this case? Beta blockers, sir. हमने ना चलना है फर्स्ट से लेके आखिरी ऑप्शन तक. जो आखिरी ऑप्शन है वो आपने पहले नहीं कहना, वो चीज पहले बताएंगे जो हम सबसे पहले इसके ऊपर ट्राई करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? वेट एंड वॉच इनिशियली. देखो, वेट एंड वॉच कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना. वेट एंड वॉच का तो जमाना अब नहीं रहा. अब वेट एंड जब आपके पास बेशुमार ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हों, तो वेट वेट एंड वॉच करके क्या होगा? क्या आपके ख्याल में ये अगले महीने में ठीक होने वाला है? अगर इसको आप इस कंडीशन में छोड़ देंगे ना, तब भी इसको ठीक होने में, और ये बढ़ता भी नहीं है, तब भी ये ठीक होने में 4 से 5 साल लगाएगा. और लेजर ट्रीटमेंट, एक मिनट, बेस्ट टाइम इन्फेंटाइल हेमेंजोमा को ट्रीट करने का वो होता है कि जब उसका साइज एक्सपेंड कर रहा हो. तो सबसे बिनाइन, लेस साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा इस कंडीशन के लिए? लेजर. नहीं, लेजर बिल्कुल भी नहीं. टॉपिकल टिमोलॉल क्रीम. हाँ, टॉपिकल टिमोलॉल. जितनी परसेंट, जितनी भी आपके पास, या तो पाकिस्तान में तो ऐसे अवेलेबल नहीं है, हम आमतौर पर टिमोलॉल आई ड्रॉप को यूज करते हैं. गालिबन 5% है या क्या, जो भी है. तो टॉपिकल प्रोपनोलोल, हाँ, टॉपिकल टिमोलॉल है. मैं इसको आपने यूज करना है, और कई दफा इनिशियल फेस के लीजन्स की रिग्रेशन टॉपिकल टिमोलॉल से हो जाती होती है. अगर हमने इसको 1-2 महीने टॉपिकल टिमोलॉल दे के देख लिया और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा? प्रोपनोलोल देने से पहले क्या करना है, और मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और डोज क्या देनी है? ईसीजी कराएंगे, हार्ट रेट देखना है, ईसीजी, थायराइड प्रोफाइल, हार्ट रेट देख ले. ईसीजी करा लिया, हार्ट रेट लोगे ना, तो उसके बाद किस डोज में देंगे? 1 mg/kg फर्स्ट वीक स्टार्ट करते हैं, फिर 2 mg तक जाते हैं. फर्स्ट वीक 1 mg/kg, सेकंड वीक 2 mg/kg पे, और स्टार्ट करने के हाफ आवरली, इनिशियली 2 hours हाफ आवरली मॉनिटरिंग करनी है. ब्लड प्रेशर सर आफ्टर सर सर फिर सेकंड वीक में फिर डोज इंक्रीज करनी है. मॉनिटरिंग किसकी करनी है? सर बेबी की पल्स देखनी है उसके, और पल्स को क्या फर्क पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी हो रही है प्रोपेनोलोल की, तो पल्स को क्या फर्क पड़ेगा? ब्रेडी कार्डिया करेगा. अगर ब्रेडी हो रहा है तो फिर क्या करने लगेंगे? करेंगे हार्ट ब्लॉक. करना क्या है फिर? स्टॉप करने. स्टॉप तो हो ही जाएगी.
तो जनरली वैसे इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन, इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन. हमें ना इसकी बस अगर हम इसको देने से पहले बेबी का एक ईसीजी करा लें या उसका हार्ट रेट मॉनिटर कर लें तो इट्स डज नॉट हैव एनी. और इसको हम कितने अरसे तक दे सकते हैं सर? वन ईयर तक दे सकते हैं. अच्छा अब प्रोपेनोलोल भी दे दी, टिमोलोल भी दे दिया लेकिन नहीं फर्क पड़ रहा. फिर नहीं उसके बाद स्टीरॉइड्स भी सर, स्टीरॉइड्स है और विनक्रिस्टीन वगैरह वो भी. वो टॉक्सिक है, उससे विनक्रिस्टीन देने से बेहतर है कि हम लेजर करें. इसका कौन सा लेजर होता है? पल्स डाई लेजर भी है और हम आईपीएल भी कर सकते हैं अगर आईपीएल भी कर सकते, क्योंकि ना पल्स डाई लेजर इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है तो आईपीएल वेस्कुलर मोड पे किया जा सकता है. चाहे हम आईपीएल करें वेस्कुलर मोड पे, चाहे हम पीडीएल करें, लीजन को हमने ना ब्लड वेसल को नेक्रोसिस करना है तो पोस्ट लेजर स्किन काफी ज्यादा नेक्रोज हो जाती है. रिकवरी टाइम 3 to 4 weeks है और ये हर महीने रिपीट नहीं होगा, ये 3-4 महीने के बाद रिपीट होगा ये प्रोसेस. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और अल्सरेशन. स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं इसमें, है उसका भी रोल एरोजिंग एजेंट, बट दैट वुड बी डन बाय सम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट. मतलब आप उस वेसल को एम्बोलाइज करने की कोशिश करें जो इस जगह पे ड्रेन कर रही, इस जगह पे लीजन का बायस बन रही है. जी सर. अच्छा, खास तौर पे उन हेमेंजियोमा में जिसमें एट्रियोवेनस शंटिंग हो रही है और कार्डियक ओवरलोड हो रहा है, उसमें एम्बोलाइजेशन इज अ गुड ऑप्शन. इंटरफेरॉन अल्फा भी है विनक्रिस्टीन के अलावा. ठीक है, लास्ट स्लाइड. क्या नजर आ रहा है? नजर क्या आ रहा है? येलो स्किन. येलो स्किन तो पेपली स्किन, येलोइश पेपली स्किन कलर्ड पेपुल्स. Yellowish papules along the skin creases. In a young boy. अच्छा, क्या pseudo xanthoma elasticum के अलावा भी कोई differential है? Plain xanthoma. देखो plain xanthoma के अंदर भी इस तरह की yellow से skin creases पे plaques बनते हैं. ये अब इम्पोर्टेंट सवाल ये, क्या ये प्लेन ज़ेंथोमा है क्या या ये सूडो ज़ेंथोमा इलास्टिका? प्लेन ज़ेंथोमा. प्लेन ज़ेंथोमा, सूडो ज़ेंथोमा. हाइट पानी सूडो ज़ेंथोमा इसका साथ इलास्टिसिटी नहीं है, लैक स्किन नहीं है साथ. बिल्कुल सही, यही इस स्लाइड को लगाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बात बावर कराना कि हर वो नेक का येलो पेप्यूल्स जो स्किन क्रीजेस में जा रहे हैं वो सूडो ज़ेंथोमा इलास्टिकम नहीं है अनलेस देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ स्किन एज वेल. अगर स्किन की इलास्टिसिटी होगी तो ये जो नेक है ना इसकी, ये थोड़ी सी बूढ़ी सी नेक नजर आएगी, जैसे कि कोई 40-50 ईयर्स के बंदे की होती है. और मतलब एक यंग बंदे की नेक एक बूढ़ी सी नेक नजर आएगी और स्किन रिलैक्स, इतनी टॉट सी स्किन नहीं होगी, स्किन थोड़ी सी लूज सी नेक की स्किन होगी. सूडो ज़ेंथोमा इलास्टिकम एंड डिफ्यूज प्लेन ज़ेंथोमा. सूडो ज़ेंथोमा इलास्टिकम स्मॉल येलो पैपुलर लिजन फॉर्म, लिजन फॉर्म एंड क्यूटेनियस लैक्सिटी मेनली अफेक्टिंग द नेक एक्सिली ग्रोइन एंड फ्लेक्चरल एरिया. Skin may become lax and redundant. The mineralization of elastic fibers in brush membrane create enjoyed streaks. जो जाहिर है, diffuse plain xanthoma का feature नहीं है.
diffuse plain xanthoma or ray xanthoma, they appear symmetrically distributed, macular yellow orange discoloration over the trunk or side of the neck. They occur in setting of normal lipids and were originally thought to be idiosyncratic. However, it was observed that many of these patients eventually develop dysglobulinemia. So, diffuse plain xanthoma ka difference pseudoxanthoma elasticum se ye hai ki ek to iske andar laxity hai aur dusra ye ki isme eye finding tha. To yahi is tasveer ka maqsad tha, aap logon ko ye stress dena ki ye kyunki neck taut hai, there is no laxity. So this is not pseudoxanthoma elasticum, this is plain xanthoma. हमेशा याद रखेंगे कि उस बंदे को सूडोजेंथोमा इलास्टिकम होगा जिसकी एज के हिसाब से उसकी नेक ज्यादा बूढ़ी नजर आ रही है अलोंग विद दिस फाइन. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. वी आर एंडिंग. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.